अब चाचा तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, थाली में जरा सी मीठे के नाम पे गुड़की डली भी ना घर में। अरे सलोजा परे कुजा, तू ही तो भड़काता रहे मो मीठे को, पता शुगर 500 नंबर तक पास आई है। 500? चाचा 500 तो बहुत नंबर है, इसका मतलब तो तुम्हारी शुगर जो पढ़ी लिखी समझो है जी। अब जो भी है झेलनी तो है ही। चाचा देखो दिवाली के बाद में ये दिक्कत बनती है, जब तुम इतनी मिठाइयों को रसगुल्लों को उधेड़ोगे तो शुगर तो बढ़ेगी ना। लेकिन चाचा इसके लिए भी मेरे पास में एक रास्ता हैगा। कहाँ रास्ता? रास्ता चाचा इसका ये है, अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नमकीन उधेड़ो, तरह तरह के दाल से समोसे टिकिया इनों को खाओ, ये अंदर पेट में जाकर जो है तुम्हारे मीठे के संग में लड़ाई लड़ेंगी और नमकीन जीतेगा ही जीतेगा। भैया की कहा गारंटी है कि नमकीन ही जीतेगा? फिर नमकीन चाचा इसलिए जीतेगा, ये जो मीठा है ये तो तुम्हारा कई दिनों का खाया होगा, भाई 3-4 दिन पहले खाया, पेट में जाकर ये पड़ेगा कमजोर, और नमकीन तुम खाओगे ताजी तो मजबूती के संग कौन लड़ेगा, नमकीन लड़ेगा ना, नमकीन जीतेगा। तो ठीक कह रहा हूँ, तू नमकीन की बिद लगा भाई किंग यही तो जल्दी। चाचा यार बिद तो लगी पड़ी है, जब तक मूलचंद को अपनी लौंडिया के लिए लौंडा ना मिल जाता उसको चाचा लैदा लैदा जगह पे रिश्ते बतलाते रहो और उसके नाम पे दावत उड़ाते रहो, ना मानते हो चाचा? नमकीन ले, दाल सऊ ले, रसगुल्ले ले, मिठाइयाँ ले, समोसे ठिकिया सब खाओ। ठीक कह रहा हूँ भाई, मिला फोन मिला बुलावा मिला मूलचंद पे। लो चाचा लग गा। हेलो। हाँ चाचा बताओ। अरे बतावे कहाँ, तेरे मतलब कोई रिश्ता आयो, एक निगाह देख ले। कैसो जुगाड़ है? जुगाड़ बढ़िया, चल के जांच पड़ेगी और अस्तौली के नेताजी। अच्छा तो चलो मैं आ रहा हूँ फिर। ओके जल्दी आ जा, आई एम वेटिंग। आ रहा हूँ। ए चाचा जिनों के नहा पे स्कूल लौंडा दिखलाओगे खतरनाक तो ना, कभी हम उसके लौंडे में भी काले और वो हमों में भी काल दे। अरे खाली दे, बहुत अच्छे आदमी है सामाजिक एकदम। फिर तो चाचा संग में फीता ले लूं, नाप तोल के लियो। वो तो पहले लेना, लौंडा फेल केस करेंगे फिर नहीं तो। अब रोटीन की तो टाड़ी रहन दो, होई जा खांगे हम तो। और क्या चाचा, इनो में क्या हरी चटनी को तुम उधेड़ रहे हो, वहां समोसे मिलेंगी तुम्हें, टिकिया मिलेंगी तुम्हें, अलहदा अलहदा तरह के दाल से। मैं तो चाचा मीठे पे रखूंगा पहले ध्यान, तुम्हारी हो तो शुगर है मुझे थोड़ा ही है। अरे भैया मूलचंद उल्टे कैसे चल दिए? अरे चल कहा दिए तू, रे आप बैठ के बताऊंगा। बैठ भैया मूलचंद। हाँ बताओ कहा बात होगी? हमारा तो चाचा सोमलाल ने और खालिद ने पागल बना रखा। अरे किसके चक्कर में आ गए तुम, एक नंबर के फर्जी हैं दोनों। पहले तो मैं झूठी मोने हो पर अब के तो बरत के देख लिए। अच्छा और कहाँ कर दिया थारगेल? अरे मैं लौंडिया को लौंडा देख रहा हूँ और वे खुद तो लौंडा बतावे और फिर खुद ही रिश्ता न होन देते और दावत और उड़ावे। अब बहुत शर्म की बात है यू तो भैया। मैं तो भैया बहुत परेशान हो लियो, कुछ रहा बता। यो, 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 यो। अच्छा अब आगे कहाँ जाने की बात है मौजू बताओ। भैया अब के तो अस्तौली में कोई नेताजी कही है, वाके कोई लौंडा बताया। नेताजी? नेताजी तो मैं जानू अच्छी तरह, उनसे मैं बात कर लूंगा। तुम एक काम करो, आपके खाली सुन यू कही कि आपके आदमी गैल चलेगा। अरे एक काम और करियो, यू तो तेने बहुत अच्छा रहा बताया है, मैं तो तुम्हें सूदो आदमी समझे हो,
पर तुम तो उस्ताद निकले। यो सारी होशियारी मैंने खालिद से सीखी है। अच्छा बता कौन सी? नीली वाली अमार। यो 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 यो। चार चार है लपके, चल मेरी रहेगी पहले, चार दे जल्दी सो। अरे भाई तेरा बाबा कौन है? ताऊ जी वे 12 पे बैठे हैं, चाचा खालिद के धोरे। अच्छा चल ठीक है, कंचा पंचान की मत बता दीजिए बाबा, कभी हमें झंगवा दो। अच्छा रिश्ता लेके आएंगे पर करेंगे नहीं। ए चाचा काय को करेंगे, हराम की खाते डोले हैं। अरे तो अंडे भैया, हम भी लठिया लेके तैयार मिलेंगे। ए चाचा तुम काय को बुराई ले हो, तुम तो थोड़ी सी मदद कर दो हमारी। कहाँ मदद चाहिए भैया बता। ए चाचा इतना काम कर दीजिए बस। ठीक है जी। बे भैया मूलचंद बतलाता क्यों ना यार, तूने घेर के बिठा लिया ना हमारे घर पे काम ना। क्या 2 घंटा हो गए तुझे चुप बैठा? भाई तेरी निगाह में कहीं और लौंडा आगा हो तो तू हमें बतला, हम कोई और पार्टी पहुंचावे। वहां घेर के बिठा रहा यार, बतला कुछ रहा नहीं है। छो मत हो, आदमी आने वाला हुआ के इंतजार कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं बस। यो, यो, यो। अब के पता न कहा आदमी की नई बात फंसाई है, रिश्ता होने से पहले ही टूट जा, को खावे इतना ना हो अगले को मिजान। देख भैया मूलचंद, हम पहले ही बतलाए दे रहे, हमारी तरफ को मत देखियो सिकल को उठा के वाच के। जब आदमी तेरा असल को धेड़ेगा, इज्जत बेइज्जती तेरी है इसमें। अजी कोई बात ना, वो तो देखी जाएगी, पर जब वास कह दी तो ऐसे को छोड़ो थोड़ी जा। हाँ भैया मूलचंद, कौन है जाने कह रहे? आ जाओ बैठ जाओ। मैं जाहिल इस पेट को तो घर ही रख आया था, इस 2 टन के टैंकर को लिए संग फिर रहा, गैरत ना आती तुझे जरा भी? दूसरों की बिचालत में डोल ले जिनावर देख रहे हो चाचा? खाने को चाहिए हराम का बस। मूलचंद तेने ही बुला तो लियो, कोई दिक्कत ना, पर वीडियो में पिछली में तेने मेटाडोर यूज करी ना, वहां मत ना लिया यो, वहां तो बैठते पिचका देगा यू, हम तो मत ना कहियो फिर, हमारो में जो नौ पिंचर लगवाने को भी। हमारी कोई जिम्मेदारी ना भैया। न चाचा मूलचंद जी ने ये तो ठीक करा, आदमी के हिसाब को देख के जो गाड़ी का जो चयन करा इन्होंने ना चाचा, बेहतरीन एकदम, बहुत बढ़िया मूलचंद जी। देखो इसमें क्या प्रदूषण भी नहीं रहता है ना भैया, ना तेल लगता ना ज्यादा खर्चा होता, 10-20 रुपए में कर लिया होएगा जुगाड़ या बीड़ी गुटके फेंकिए। मूलचंद हंस के बातों को टलाता है चाचा, सस्ते में निपटा रहा काम को। ना ना जानकारी में ही हो। अच्छा अच्छा जानकारी में, चलो ये तो बढ़िया, फिर तो आगे के लिए हमें जरूरत पड़े तो जानकारी में करा दियो, पहाड़ी इलाके में जाएंगे मेरे चाचा घूमने।